नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और एक्टर तापसी पन्नू से पुणे के एक होटल में आयकर विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। बुधवार शाम को यह खबर आई है। गौरतलब है कि फिल्मकार अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के मुंबई और पुणे स्थित ठिकानों पर इनकम टैक्स टीम ने सोमवार को छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई एक कर चोरी मामले की है। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के अनुसार 30 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स के सेक्शन 132 के तहत ये छापेमारी की गई है। मुंबई और पुणे के 20 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई है। इसके साथ ही एक टैलेंट एजेंसी अनुराग कश्यप की फैंटम फिल्म और प्रोड्यूसर मधु मंटेना के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। छापेमारी और पूछताछ के दौरान यह जानने की कोशिश की गई है कि सेलिब्रिटीज कितना कमाते हैं और इन्हें किन के जरिए बिजनेस मिलता है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के अलावा मधु मंटेना, विकास भौल के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जानकारी के अनुसार फैंटम फिल्म के अलावा मैनेजमेंट एजेंसी और एंटरटेनमेंट के ऑफिस को भी खंगाला गया। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के खिलाफ टैक्स रेट पर सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि इनकम टैक्स के विभाग के विभाग को जिसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वह उसके आधार पर उसकी जाँच करती है और बाद में मामला कोर्ट में चला जाता है। गौरतलब है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ काफी मुकर रहे हैं। फिल्म जगत के लोगों को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि किसी मुद्दे पर बोलने के चलते जो किसान आंदोलन का वो समर्थन कर रहे हैं, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे लोग, शायद उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है और आज भी रेट जारी रहेगी।